हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव सड़क के लिए अपने 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आपके पार्टनर की इस वक्त की फीलिंग्स आपके लिए, वो क्या कुछ सोच रहे, क्या कुछ फील कर रहे हैं। आपको एकदम हैप्पी और पॉजिटिव रहना है, ठीक है, आपको ध्यान नहीं देना है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है और कलेक्टिव की एनर्जीज होती है, तो हर एक बात आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती। जो रेजोनेट होता है उसे रखे, जो नहीं होता उसे इग्नोर कर दीजिए। अगर आप बहुत सालों से महीनों से इंतजार कर रहे आपके पार्टनर के एक्शन का और एक्शन नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करनी है, ठीक है। और यस, देखते हैं क्या निकल के आता है आपके पार्टनर की इस वक्त की फीलिंग्स आपके लिए। यहाँ पे जैसे कि पॉसिबिलिटीज है, फ्लॉरिंग, एग्जिस्टेंस, ट्रस्ट, लेजीनेस, मैच्योरिटी, शेयरिंग, द आउटसाइडर, इंटीग्रेशन, आइसोलेशन एंड बॉटम है यहाँ पे फाइटिंग। तो आपके जो भी पार्टनर है स्ट्रांगली टॉरस और कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, सजिटेरियस पे यहाँ पे ऑल साइंस आ चुके हैं। नंबर है यहाँ पे 21590514311111333 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा। तो करंट में आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अपने आप को ना जैसे कि आपसे बहुत ही ज़्यादा दूर जा चुके हैं, हमेशा के लिए कभी भी आपसे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, ऐसी फीलिंग्स इनको आ रही है। बहुत उन्होंने आपको खो दिया है, शायद कभी नहीं आपके साथ रीयूनियन मतलब बहुत ज़्यादा अब मुश्किल इनको लग रहा है। बहुत कोशिश करके देख ली अपने आप को समझाने की, आपसे डिस्टेंस उन्होंने ना जैसे आपसे ना डिस्टेंस बनाने के लिए, आपसे डिस्टेंस बनाने के लिए, आपको भूलने के लिए ये ना जहाँ से मतलब भाग गए थे डायरेक्टली, क्योंकि जब तक आपको देख पाते थे ना तब तक आपसे दूरियाँ बना ही नहीं पाते थे। और इसीलिए शायद मैं कहीं और शिफ्ट हो जाऊँ, शायद मैं किसी और सिटी में चला जाऊँ तो इस पर्सन को मैं भूल जाऊँगा, ऐसा कुछ डिसाइड करके इन्होंने आपसे ना बहुत ज़्यादा दूरियाँ बना ली थी। तो उस दूरियों को लेके वो आज बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं। यस, उन्होंने जैसे सोचा था वैसे हुआ, आपसे दूर जाने के बारे में सोचा, भाग के चले गए और शिफ्ट हो गए। 6-7 महीने 1 साल हो गया, इनको लगा था कि वो आपके एनर्जी से कम्प्लीट बाहर निकल के आएंगे। शायद ये हो गया कि आप तो इनके एनर्जी से बाहर निकल के आए, आपकी करंट एनर्जीज में बोलूँ ना तो आप जैसे कि पहली वाली फीलिंग्स इनके लिए महसूस नहीं कर रहे हो, पहले जैसे इनके लिए तड़पते थे, मरते थे, वैसा आज आपको कुछ भी नहीं हो रहा है। मतलब कि जो इनके इंटेंशंस थे आपसे दूर जाने के, वो इंटेंशंस तो यस हासिल हो गया उनको, वो मिल गया जो उन्होंने सोचा था। आप इनको इनके एनर्जी से भी बाहर निकल के आए और जैसे कि आप अपनी ज़िंदगी में ग्रो भी कर गए, लेकिन आपके पार्टनर ना तो आपसे मूव ऑन हो पाए, ना तो आपके एनर्जी से बाहर निकल पाए और ना ही वो अपने आप को आपको मिस करने से रोक रहे हैं, नहीं रोक पाते, वो पल पल आपको मिस करते रहते हैं। और आपके एनर्जी मतलब पहले आप इनको देखिए, आप इनको पहले 100% मिस करते थे, आपके पार्टनर आपको 10% मिस करते थे, अब सब कुछ उल्टा हो गया। अब जैसे कि आप इनको 10% मिस करते हो, पार्टनर आपको 100% मिस करते हैं, 24/7 ही आपको सोचते हैं, लेकिन आपका ऐसा नहीं है। आप बस उसी पर सोचते हो जब आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, किसी को एक साथ देखते हो, किसी कपल को एक साथ देखते हो, कोई रोमांटिक सॉन्ग देख लेते हो, या तो बहुत ज़्यादा अकेलापन होता है तब आपको इनकी याद आती है। आपने जैसे कि अपने आप के ऊपर वर्क करना बेस्ट समझा, बहुत ज़्यादा सैड एनर्जीज में आपने दिन निकाले इनके बिना, रोए, तड़पे, चीखे, चिल्लाए, इनको रोक के देखा, इनको मारने की कोशिश की, इनको फिर से अपनी ज़िंदगी में वापस पाने की कोशिश की, आपने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन कुछ भी आपके लिए काम नहीं आया। जो फाइनल आपने तरस के अपने आप के ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर दिया और आप जो कि बहुत ज़्यादा ग्रो कर गए, आप बहुत ज़्यादा चेंज हो गए, आप ट्रांसफॉर्म हो गए, आप रूड बन गए, और जो कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल पहले से भी ज़्यादा बढ़ गया, इस वजह से कि आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल दिख रहे हो अपने पार्टनर को। आपके पार्टनर तो सक्सेसफुल है ही, करंट में इन्होंने जैसे कि करंट में जैसे कि इनको लग रहा है कि इन्होंने आपको हमेशा के लिए खो दिया है और कभी भी आपका रीयूनियन नहीं हो सकता, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, ये गलती यस मेरी थी, मैंने ये सब कुछ किया है, लेकिन शायद उनको ये कभी भी विश्वास नहीं था कि आप उनको इतना ईजीली छोड़ दोगे, क्योंकि आप तो इनके लिए मरते थे, आपने तो इनको जैसे कि अगर तू मेरी ज़िंदगी से जाएगा तो शायद मैं मर जाऊँगी, मेरी जान चली जाएगी, ऐसा कुछ बोला था, लेकिन आप तो नहीं मरे, आप तो ज़िंदा हो। ये देख के आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है कि मतलब ये सब कुछ झूठ था, ये तो इसका प्यार भी सच्चा नहीं था,
क्योंकि इनको अपनी गलती ये नहीं समझ में आ रही कि अगर मेरा प्यार सच्चा होता तो शायद ही मैं इससे भागता, या आपसे भागने के टाइम पे इन्होंने नहीं सोचा, आपको सडनली आपको छोड़ के आपकी ज़िंदगी से चले जाते टाइम इन्होंने ये नहीं सोचा, जो कि वो अब ऐसा सोच रहे हैं, आपको दूर से देख रहे हैं, आपको जैसे कि खोने से बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, भगवान से बहुत ज़्यादा विश मांग रहे हैं आपको, जैसे कि इसे कभी भी दूर ना करें इस तरह से, लेकिन फिर भी वो आपके लिए एफर्ट डालने से मना कर रहे हैं, फिर भी जैसे कि डिवाइन के ऊपर ही सरेंडर्ड है। हाँ, मैं तेरे लिए रोता हूँ, परेशान हूँ, रात रात भर जागता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है जो मैंने तेरे साथ किया है, तेरे लिए मेरी फीलिंग्स ट्रू हैं और कभी भी शायद चेंज नहीं होगी, लेकिन मेरे बिहेवियर की वजह से तू तो चेंज हो गई, लेकिन अब मैं चाहे कितने भी कोशिश करूँ तू पहले जैसे नहीं बन सकती, ऐसा इनको दिल से लग रहा है, और जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी इन्होंने अपने अंदर इंक्रीज़ कर ली है। पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पे, होप्स नहीं खोए हैं इनको, आज भी ऐसा लगता है कि यस मैं ट्राई करूँगा, अगर मैं तुझे समझाने की कोशिश करूँगा और मेरी मजबूरी बताऊँगा तो तू ज़रूर मानेगी, इस तरह की इनकी फीलिंग्स है। इनका जैसे कि ट्रस्ट का कार्ड यही शो करता है कि इनका मेल फीमेल साइड बैलेंस्ड हो चुका है, इसी वजह से जो कि इनको अपने आप के ऊपर, अपने प्यार के ऊपर भरोसा है। अगर ये अपने लिए ये एफर्ट्स नहीं डाल रहे करंट में, लेकिन इनको इस बात के ऊपर भरोसा है कि अगर मैं एफर्ट्स डालता हूँ, अगर आपको मनाने की कोशिश करता हूँ, या बस आपके सामने आके खड़े भी हो जाते हैं, फिर भी जैसे कि आप सब कुछ भूल के फिर से इनकी ज़िंदगी में एंटर करोगे, इस बात के ऊपर इनको कंप्लीट भरोसा है। हाँ, अभी आपकी एनर्जी शिफ्ट हो चुकी है, लेकिन एक बार आप अपने पार्टनर को फिर से अपने सामने देख लोगे तो आप जो कि फिर से उनके लिए पागल हो जाओगे। आपके एनर्जी से, आपके प्यार से आपके पार्टनर वाकई थे, इनको पता है आप क्या कर सकते हो और कितना इनसे प्यार करते हो, इसलिए जो कि आपसे अपना प्यार शेयर करना चाहते हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं और मैच्योरिटी से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में जो भी हुआ है, आप में जो बदलाव आए हैं, जो उनको आउटसाइडर की फीलिंग आ रही है, ये क्यों आ रही है, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी गलती का एहसास इनको हो रहा है, इसी वजह से बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे हैं। इस वक्त इनकी आंखों में आंसू है आपके लिए, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, और जो कि दिल से आपके लिए एफर्ट्स डालना चाहते हैं और इसीलिए किसी से गाइडेंस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्ट्रांगली चांसेस है ये आपके लिए बहुत जल्दी एक्शन भी लेंगे, आपसे रिश्ता स्टार्ट भी करेंगे, आपको समझाने की कोशिश बहुत जल्दी करेंगे। आपके पार्टनर आपसे क्या बात करना चाहते हैं, थ्रू मैसेज दे रही है, इनके पार्टनर इनसे क्या बात करना चाहते हैं, थ्रू मैसेज दे, इनके पार्टनर इनसे क्या बात करना चाहते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया, वो आपको बताना चाहते हैं कि वो इस वक्त बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, रो रहे हैं, परेशान हैं, इनकी ज़िंदगी में इस वक्त कुछ भी अच्छा नहीं है, वो जहाँ पर भी अटके हुए हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, और जो कि सामने वाला इनको बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है, तकलीफ़ दे रहा है। इनका हाल आज ऐसे है ना, यहाँ पे देखो रिसेप्टिविटी का कार्ड है, इन्होंने अपनी ज़िंदगी की जो सिचुएशन है उस सिचुएशन को स्वीकार कर लिया है। थर्ड पार्टी इस रिलेशनशिप में डेफिनेटली, जो कि रोमांटिक है, प्यार आपसे भी करते हैं, थर्ड पार्टी से प्यार भले ना करें, लेकिन जो कि जो सिचुएशन है उस सिचुएशन को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। थर्ड पार्टी को समाज के लिए स्वीकार किया था और प्यार आपसे है, तो इसीलिए दोनों को नहीं खोना है और दोनों में जैसे कि अटके हुए हैं, किसी एक को भी छोड़ता हूँ मैं तो मरने ही वाला हूँ, तो इनको मरना नहीं है, इनको आपके साथ जीना है, ये इस तरह से आपको बताना चाहते हैं। हम देखते हैं इस रिलेशनशिप में आपको करना क्या चाहिए, अगर एनर्जीज आपसे रेजोनेट हुई है ना, तो देखते हैं इस रिलेशनशिप में आपको करना क्या चाहिए। ट्रू मैसेज देने, इस वक्त मेरे व्यूअर्स को इस रिश्ते में क्या करना चाहिए आपको, कम ऑन हीलिंग, आप अपनी हीलिंग के ऊपर फोकस करो, आप कुछ और ना सोचो, आप अपनी ज़िंदगी पे जैसे फोकस्ड हो, फोकस रहो, हैप्पी रहो, प्लेफुलनेस के एनर्जीज में रहो, हमेशा सब कुछ ठीक हो जाएगा, इन्हें सबको यही बता रहे, आपको कुछ भी एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अब एफर्ट्स डालने का टाइम आपके पार्टनर का है, ठीक है। तो यस, यही है रीडिंग, अगर रीडिंग रेजोनेट हुई वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपको सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर आपको पर्सनल रीडिंग कराने स्क्रीन पे देगा नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करने, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।